इंदौरा स्थित तारा खड में शरेआम दिन दहाड़े भारी मशीनरी द्वारा खनन कर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। गौरतलब है कि जिस जगह से यह खनन हो रहा है, यहां से इंदौरा पंचायत का शमशान घाट महज कुछ मीटर की दूरी पर स्थित है और यहां खनन हो रहा है वहां पर कुर्सा पंचायत में स्थित गुज्जर बस्ती कुछ ही मीटर के फासले पर है। अगर तारा खड से इसी प्रकार खनन होता रहा तो वह दिन अब दूर नहीं जब इंदौरा का शमशान घाट और ग्राम पंचायत कुर्सा में स्थित गुज्जर बस्ती इस खनन की भेंट चढ़ जाएगा। वहीं गौरतलब है कि जिस जगह से यह खनन हो रहा है उस जगह की कीमत उस जगह की किस्म गैर मुमकिन खड्ड है और यहां से बिना हिमाचल सरकार को कोई रॉयल्टी दिए वह खनन सामग्री पंचायत कुर्सा के गांव चुहड़पुर स्थित एक निजी क्रेशर को बेचा जा रहा है। अब देखने योग्य बात यह है कि प्रशासन की नाक के तले से यह सारा अवैध खनन कर हिमाचल सरकार के राजस्व को चूना लगाया जा रहा है। खनन विभाग और पुलिस प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। अब कब तक ऐसे अवैध खनन करके हिमाचल सरकार के राजस्व को चूना लगता रहेगा। गौरतलब है कि जिस जगह से यह खनन किया जा रहा है उक्त जगह भाजपा के एक प्रतिष्ठित नेता की बताई जा रही है जो कि मौजूदा सरकार में भी प्रदेश सरकार के उच्च पद पर आसीन है। अब देखने योग्य बात यह है कि अगर सरकार के नुमाइंदे ही इसी प्रकार प्रदेश सरकार के राजस्व को चूना लगाते रहेंगे तो प्रदेश का विकास कैसे होगा। वहीं जब इस विषय पर खनन अधिकारी नूरपुर कुलभूषण शर्मा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मैं अभी अपने विभागीय अधिकारियों को मौके पर भेजता हूं। अगर कोई खनन करता हुआ मिलता है तो उस पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए इंदौरा से रमन कुमार की रिपोर्ट।